इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2019 का रोमांच अपने चरम पर है। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के 12वें सीजन के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। उसके अलावा पाकिस्तान सहित कई टीम सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली ने टूर्नामेंट को लेकर एक सनसनीखेज बयान देकर हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली का दावा है कि वर्ल्ड कप 2019 पूरी तरह से फिक्स्ड है। बासित अली ने दावा किया है कि पाकिस्तान भले ही अपने बचे हुए सारे मैच जीत ले, लेकिन उसका आगे बढ़ना टीम इंडिया के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। बासित अली ने यह भी कहा कि टीम इंडिया जानबूझकर बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ खराब मैच खेलेगी और इन मैचों को हार जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान और इन दो टीमों के बीच सेमीफाइनल की रेस होगी। पाकिस्तान के इस पूर्व बल्लेबाज के इस दावे से क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई है। बासित अली के दावे से क्रिकेट फैन हैरान हैं। बासित अली ने यह दावा भी किया है कि टूर्नामेंट फिक्स है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी टीम इंडिया से जानबूझकर हारी है। बासित अली ने अपनी ही टीम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बासित अली का दावा है कि साल 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाली पाकिस्तान से न्यूजीलैंड की टीम जानबूझकर सेमीफाइनल मैच हारी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान को अभी इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और अफगानिस्तान से खेलना है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को हराने के बाद ये सभी मैच जीतना भी जरूरी है। वहीं भारत को अभी वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड से खेलना है। इनमें से भारत दो मैच हारता है तो पाकिस्तान की उम्मीदें टूट जाएंगी। वहीं अगर टीम इंडिया के मौजूदा प्रदर्शन की बात करें तो बासित अली का ये दावा खोखला साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। टीम इंडिया अब तक विश्व कप में अजेय है और उसने 5 में से 4 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। गुरुवार को भारत का छठा मुकाबला यानी आज भारत का छठा मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। उसके बाद विराट कोहली और उनकी कंपनी को 30 जून को इंग्लैंड से, 2 जुलाई को बांग्लादेश से और 6 जुलाई को श्रीलंका से मैच खेलना है। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।